गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। ये टॉपिक आपके बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट वन में दे रखा है। हम लोगों ने ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। हमने इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के टाइप्स क्या हैं, स्टडी की। ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमने एंटीबॉडीज कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कैसे उनकी संरचना होती है, इसके अलावा कौन कौन सी सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी में, साथ ही अडेप्टिव इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती हैं, यह हमने पढ़ा। किस तरीके से इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है, विकसित होती है, उन चीज़ों के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता कैसे है, मतलब मैकेनिज्म क्या है ह्यूमरल इम्यूनिटी का। तो पहली चीज जो आप समझ रहे हैं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब है वो इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी के जरिए मीडिएटेड हो, यानी कि ह्यूमर मींस लिक्विड, ऐसी इम्यूनिटी जो लिक्विड माध्यम में हो या ब्लड प्लाज्मा में हो, यानी कि थ्रू एंटीबॉडी हो। और आप जानते हैं कि जैसा आप पढ़ चुके हैं कि एंटीबॉडी का जो सिक्रीशन होता है वो बी सेल, जो एक्टिवेटेड बी सेल होती है उसके प्रोलिफरेशन का जो अंतिम उत्पाद होता है, एंड प्रोडक्ट होता है, जो कि फुली डिफ्रेंशिएटेड होता है, जिसे हम प्लाज्मा सेल कहते हैं, उससे एंटीबॉडी का सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पर जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो मुख्य तौर पर आपको जो डिफेंस प्रोवाइड करती है वो प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा सेलुलर, याद रखिएगा एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि एंटीबॉडी किसी सेल के अंदर घुस करके एक्ट नहीं कर सकते। एंटीबॉडीज को एक्ट करने के लिए जो एंटीजन चाहिए वो सेल्स के बाहर ही होना चाहिए। तो ये जो डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स, टॉक्सिन्स आदि के अगेंस्ट एंटीबॉडी से हमें डिफेंस देखने को मिलती है मुख्य तौर पर। और हम देखें तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडी के जरिए मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसके अंदर हमें जो एंड रिजल्ट मिलता है वो एंड रिजल्ट हमें या तो जो एंटीजन है और एंटीजन बियरिंग जो माइक्रोब है या टॉक्सिन है उसके एक्स्ट्रा सेलुलर डिग्रेडेशन के रूप में मिलता है, या फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो विभिन्न माध्यम से, जिसमें हमने पिछले टर्न पर देखा ही था कि किस तरीके से जो कॉम्प्लीमेंट पाथ होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, वो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है उसको रिकग्नाइज करके और अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उसके डिस्ट्रक्शन का काम करता है। कई तरीके के वेज हमने कॉम्प्लीमेंट के अलावा भी देखे हैं जहां एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है वो डिस्ट्रक्शन को एनहांस करता है, लाइक बाय फेगोसाइटोसिस। तो जो एंटीबॉडी का रिजल्ट है, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन का जो रिजल्ट है ह्यूमरल इम्यूनिटी में, वो या तो एक्स्ट्रा सेलुलर डिग्रेडेशन के रूप में देखने को मिलेगा या फिर आपको डिस्ट्रक्शन के रूप में देखने को मिलेगा। कई सारी प्रोसेसेस आप पढ़ चुके हैं इसमें, लाइसिस है, फेगोसाइटोसिस है, न्यूट्रलाइजेशन है, ऑप्सोनाइजेशन है, ये सब चीजें, एग्लूटिनेशन भी है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि ये एंटीबॉडी का सिक्रीशन होता कैसे है, एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी किस प्रकार सिक्रीट होते हैं। तो जो बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट हैं, जैसा कि आप जानते हैं
इनका निर्माण भी बोन मेरो में होता है। तो बोन मेरो में निर्मित होने के बाद में साथ ही साथ इनके अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर जीन है उनके रीअरेंजमेंट होने के बाद में जो मेच्योर हुई और नेव बी लिम्फोसाइट है, नेव का मतलब है जो अभी तक संपर्क में नहीं आई है एंटीजन के, तो जो मेच्योर नेव बी लिम्फोसाइट है वो बॉडी में रिसर्कुलेट करती है और ये अट्रैक्ट होती है टुवर्ड फॉलिकुलर एरियाज ऑफ लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। ये जो बी लिम्फोसाइट हैं, जो मेच्योर बी लिम्फोसाइट हैं, जो बोन मेरो में बन चुकी हैं, ये बोन मेरो से निकल के बॉडी में प्रवेश करती हैं और अल्टीमेटली कहाँ पहुंचने का प्रयास करती हैं, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में पहुंच जाती हैं ये। तो जब कोई एंटीजन सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन में, लिम्फोइड ऑर्गन्स में इंटर कर रहा है तो ये इंटर होकर के क्या करेगा, बी सेल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर, जो बी सेल रिसेप्टर है ठीक है, उस मेम्ब्रेन रिसेप्टर पर ये, अगर सेम टाइप का है आईडियो टाइप्स ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट बी सेल में है ठीक है या उसके जैसा है तो उससे बाइंड हो जाएगा और क्रॉस लिंक उससे हो जाएगा। यहां ये एंटीबॉडी नहीं है, याद रखिएगा ये है बी सेल रिसेप्टर, दिस इज बीसीआर, बी सेल रिसेप्टर, इसे आप एंटीबॉडी ना समझें। तो एंटीजन बी सेल रिसेप्टर पे जुड़ रहा है, उससे क्रॉस लिंक हो रहा है और दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ एक्टिवेशन। नाउ देखिए यहां पर हम दो प्रक्रियाओं के बारे में जान रहे हैं, पहली जो कहलाती है थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन, दूसरा थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी जो ये प्रोसेस देख रहे हैं शुरुआत में हम थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन के लिए देख रहे हैं। नाउ जो बी सेल है जिसके ऊपर एंटीजन बीसीआर पर अटैच हुआ है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इनगल्फ कर लिया जाता है, इंडोसाइटोसाइज हो जाता है और इंडोसाइटोसाइज होने के बाद में इसकी वहां पर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद में ये एंटीजन के टुकड़े, खासतौर पे पेप्टाइड्स, वो बी सेल के जरिए एमएचसी सेकंड मॉलिक्यूल पर प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। ये एमएचसी सेकंड मॉलिक्यूल है और ये वो पेप्टाइड है, तो ये एमएचसी सेकंड मॉलिक्यूल और पेप्टाइड का जो कॉन्जुगेट है ये सेल के ऊपर प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट किया जा रहा है सेल के ऊपर, साथ ही साथ एक और यहाँ पर रिसेप्टर सरफेस प्रोटीन है जिसका नाम है B7, B7 भी अपरेगुलेट हो रही है, यानी कि उसका भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है सरफेस के ऊपर, ये प्रदर्शित ज्यादा मात्रा में हो रही है। और ये जो वहां पर घूमते हुए टी हेल्पर सेल्स हैं, वो जब एमएससी सेकंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट करते हुए बी सेल के पास आते हैं और उसकी रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, खासतौर पे किसे, ये प्रदर्शित हुए पेप्टाइड की पहचान करते हैं और ये कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है टी सेल रिसेप्टर और उसके साथ जुड़ा हुआ CD4, तभी तो ये टी हेल्पर सेल है। तो ये CD4 टी सेल रिसेप्टर जो है वो एमएससी सेकंड पे प्रेजेंटेड जो एंटीजन है, पेप्टाइड है, उसकी पहचान करते हैं और जैसे ही ये पहचान करते हैं इसके बाद में, अभी आपने देखा फर्स्ट साइन क्या था, बी सेल एक्टिवेटेड हो गई ठीक है फर्स्ट, अब उसने एक्टिवेट होके क्या किया, एमएससी सेकंड मॉलिक्यूल पे पेप्टाइड को प्रदर्शित किया, साथ साथ में बी सेवन का अपरेगुलेशन भी हुआ।
ठीक है। बी सेवन भी क्या कर रहा है, एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। तो एमएससी सेकंड और बी सेवन दोनों एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं। टी हेल्पर सेल जो घूमती फिरती वहां आ रही है वो उसके साथ में प्रेजेंटेड पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करती है, और ये बी सेल और टी सेल एक दूसरे से जुड़ गई, दिस इज कॉन्जुगेट बन गया ये। तो बी सेल और टी सेल एक दूसरे से जुड़ गई। अब ये जो टी सेल ने रिकॉग्नाइज किया है, इसके कारण क्या होता है, टी सेल एक्टिवेट हो जाती है, वो अपनी गोल्जी बॉडी को रिलोकेट करती है टुवर्ड बी सेल। आप देख रहे हैं ये सारी रिलोकेट किधर हो गई, गोल्जी बॉडी टुवर्ड बी सेल, और वहां से ये साइटोकाइन सिक्रीट करती है सीधा बी सेल की तरफ। ये सारे साइटोकाइन सीधे बी सेल की तरफ इन्होंने सिक्रीट कर दिए। ये जो साइटोकाइन सिक्रीट हुए हैं बी सेल की तरफ, ये अगेन बी सेल को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो तेजी से डिवाइड हो सके, और ये जो बी सेल है वो तेजी से डिवाइड करेगी और प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा सेल के रूप में डिवाइड करना लग जाएगी। इसी के साथ साथ टी सेल के ऊपर एक सीडी 40 एल भी अपरेगुलेट होता है, जो कि बी सेल के सीडी 40 के साथ में इंटरेक्ट करता है और सेकेंडरी सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ आप शॉर्ट में एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि बी सेल पे एंटीजन आया, एंटीजन को बीसीआर ने रिसीव किया, ये सारा का सारा इंडोसाइटोसाइज हुआ, जो एंटीजन का पार्ट है पेप्टाइड वो एमएससी टू मॉलिक्यूल के ऊपर, एमएससी सेकंड जो मॉलिक्यूल है उस पर प्रेजेंट हुआ, एमएससी सेकंड मॉलिक्यूल पे प्रेजेंटेड जो पेप्टाइड है उसको टी सेल रिसेप्टर CD40 ने इसने रिकॉग्नाइज किया, ये पूरा का पूरा एक कॉन्जुगेट बन गया, टी सेल एक्टिवेट होकर के TH2 सेल बन गई, TH2 सेल ने अपने गोल्जी बॉडी को किधर शिफ्ट किया, बी सेल की तरफ शिफ्ट किया, और वहां से फिर साइटोकाइन का रिलीज हुआ, साइटोकाइन ने बी सेल को अगेन एक्टिवेट किया और प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुआ। साथ ही साथ टी सेल के ऊपर CD40L जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो अपरेगुलेट हुआ, जिसने बी सेल के CD40 के साथ में इंटरेक्ट किया, ये भी सिग्नल है, और अल्टीमेटली बी सेल डिवाइड करने लगातार और क्लोनल एक्सपांशन हो रहा है, सेल प्रोलिफिकेशन से मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा सेल्स बन रही हैं। और ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी, एंटीबॉडी का सिक्रीशन करेंगी, ये एंटीबॉडी एंटीजन जहां भी है वहां उससे जुड़ेंगे, जबकि मेमोरी सेल इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपने देखा जो थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन के केस में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बन रही है, फास्ट रिएक्शन हो रही है, प्लाज्मा सेल्स काफी बन रही हैं, एंटीबॉडीज काफी बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है, लेकिन सभी के सभी एंटीजन पेप्टाइड नहीं होते। कई एंटीजन होते हैं जो पेप्टाइड नहीं होते, तो जैसे लिपोपोलीसेकेराइड जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल सरफेस सेल वॉल है, या पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं जो कि कैप्सुलर एंटीजन हो सकते हैं। तो ऐसे एंटीजन जो है उनको हम थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन क्योंकि यहाँ पर पेप्टाइड नहीं है तो एमएससी सेकेंड मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे, और अगर ये एमएससी सेकेंड मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट नहीं होते तो निश्चित तौर पे टी हेल्पर सेल इनसे नहीं जुड़ेगी, बी सेल टी सेल कॉन्जुगेट नहीं बन सकेगा। तो यहाँ पर टी सेल का रोल नहीं है, इसलिए इनको हम कहते हैं थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन। तो थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन जो होते हैं वो बी सेल को डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, केवल यहाँ फर्स्ट जो लेवल है स्टिमुलेशन का वही हो रहा है, जो सेकेंड स्टिमुलेशन है यानी कि बाया टी सेल वो नहीं हो रहा। तो यहाँ केवल फर्स्ट स्टिमुलेशन हो रहा है और ये एंटीजन जो है वो एक्ट करता है लाइक माइटोजन, माइटोजन का मतलब होता है जो माइटोसिस कराए। तो ये जो एंटीजन इनसे जुड़ा है बी सेल से, उसके कारण सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है, बट याद रखिए कि इसका रिस्पॉन्स वीक होता है,
बिकॉज यह टी सेल से एक्टिवेशन नहीं हो रहा है तो इसका रिस्पॉन्स वीक ही है। दूसरी बात, प्रोलिफरेशन होता है बट ओनली प्लाज्मा सेल के रूप में, यहाँ मेमोरी सेल नहीं बनती, किसी प्रकार की इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप नहीं होती। और तीसरी बड़ी बात जो है, जो क्लास स्विचिंग है, जहां पर हम टी जो थाइमस डिपेंडेंट है उसमें देख रहे हैं कि हमने हर प्रकार के एंटीजन, हर प्रकार के एंटीबॉडी बनते हैं, जी टाइप, एम टाइप, खासतौर पर यहाँ पर केवल एम टाइप IgM का ही सिक्रीशन होता है, IgG का सिक्रीशन थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन के लिए नहीं होता है। तो इसलिए जो थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन होते हैं उनके लिए जो इम्यूनिटी होती है वो शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होती है, वो मेमोरी उसमें नहीं रहती, जबकि थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन होते हैं वहाँ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप होती है। ठीक है, धन्यवाद।